नहीं करते। ऋषियों ने यही विज्ञान दिया था। ऋषि कौन होता था? ऋषि किसको कहते? रिसर्चर। रिसर्चर मतलब शोध करने वाला, खोज करने वाला, साइंटिस्ट, उसको क्या कहते हैं? ऋषि। क्या खोज किया? कि दुनिया में अगर आनंद से जीना है, भौतिक जगत का भी आनंद लेना है, तो अपने आप को पहले देखो। कैसे देखें? बाहर देखना तो आसान है, देख रहे बाहर तो देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विज्ञान का विकास किया, जिस साइंस को, जिस टेक्नोलॉजी को विकास किया, वो क्या था? किसको देखना? आंख बंद करिए और किसको देखिए? वो सूर्य तो माध्यम है, माना की। मैथ बनाते हो तो क्या कहते हो? माना की। माना की का बाद में कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरह उस सूर्य के ध्यान के साथ धीरे धीरे किसको देखना है? अपने भीतर के हलचल को देखो। क्या क्या आ रहा है? मामू आए, चाचा आए, फूफा आए, सब आएगा, आने दो। और उसका धीरे से कहो, अब चलिए, अब चल। यही ध्यान है, ये मेडिटेशन है। भीतर के उल्टे पुल्टे विचार को कहां ले जाइए? बाहर ले। एक दिन में संभव है? नहीं, एक दिन में थोड़े सबको भीतर ले गए थे। कितना मेहनत से सबको भीतरे बैठाए हैं। आव आव बैठा बैठा, और तुरंत कहिएगा हटा देंगे, टाइम लगेगा। जिसमें आप कहते हैं कि मेरा मन टिकता नहीं है, मेरा मन, इसका कारण क्या है? लंबे समय से हमने उसे दुलारा है, पुचकारा है, प्यार किया है। बउआ बैठ भीतर, अब उसको अचानक आप कैसे निकाल सकते हो? तो वो भी अपना हम चाहता है, ना हम नहीं निकलेंगे। तब आप कहते हो, भैया जब आंख बंद करते हैं तो मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं। लगेगा भाई, कैसे लगेगा? मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए भाई, अगर सही में आनंद लेना चाहते हो, जीवन का आनंद, सुन लो भाई, तो इसका आनंद यही है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने? जितना बात कहें ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा तो सब बाले में फंस के रह जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ये दुनिया क्या है? चीनी का चाशनी है, मीठ लगा है ना, देखिए ना, गजब के। क्या है दुनिया? है चीनी का चाशनी है। मजा लेने के लिए आए हो ना, उद्देश्य है ना मजा लेना? अरे जिंदगी का आनंद लेना, सब चीज का आनंद लेना चाहते हो ना? झूठ नहीं बोलना, नहीं तो मंदिर में घाटा हो जाएगा। सब चाहता है, भले छुपैले आनंद, भीतर भीतर सब चाहता है। ये दुनिया क्या है? चीनी का चाशनी है। कभी किसी हलवाई के दुकान पर जाइए और चीनी का चाशनी रहता है, मक्खी उड़ते देखे? मक्खी क्या करता है? चीनी का चाशनी का आनंद लेता है, आप ही की तरह। लेकिन आपसे ज्यादा होशियार कौन है? मक्खी है। तो मक्खी क्या करेगा? किनारे पर आया, हल्का सा उसमें अपना मजा लिया, फिर उड़ गया। आप क्या करते हो? चीनी के चाशनी में मक्खी कहता है कुछ, उसी में आपके तरह समझदार चौकी पर सोने वाला मक्खी रहता है, वो क्या करता है? अरे किनारे में इतना मजा है रही, तनी बीच में चल रही। मक्खी गया बीच में मजा लेने, क्या हुआ? आपकी वही दुर्दशा है, आप उसी दशा में हो और तैयारी भी कर रहे हो। हैं, माफ करिएगा, समझदार बनिए, बुद्धिमान बनिए। बुद्धि तो है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उस बुद्धि का कुछ यूज नहीं हो। थ्री इडियट पिक्चर में वो जो प्रिंसिपल है, क्या नाम है उसका? वायरस। तो वायरस जब लड़के लोगों का क्लास ले रहा है, तो वो जो तीन दोस्त हैं आमिर खान के, उसमें एक जो खड़ा होकर, जिस जो कूद गया था ऊपर से, वो खड़ा होकर पूछता है, अच्छा सर, किसी भी स्टूडेंट का अगर मान लीजिए कि सेशन में नंबर कम आ जाए, तो वो जो कंपनी वाले लोग आ रहे हैं उसको चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? ऐसा क्वेश्चन था।
वायरस कहता है राइट राइट, तुमसे हमको यही उम्मीद था। खड़ा हुआ, कहा और किसी को, फिर पूछता है कि और किसी को यह क्वेश्चन पूछना है, तो उसके बगल में जो दूसर का दोस्त था वो भी खड़ा हुआ, हाँ मुझे उम्मीद था। वायरस क्या कहता है उसमें कि इन दोनों का जो ब्रेन है इनका यूज ही नहीं हुआ है, इस पर शोध होना चाहिए कि आखिर इस ब्रेन का बिना यूज, इसका यूज, इस पर रिसर्च होना चाहिए। आप बिहारियों पर रिसर्च होना चाहिए। मैं नीतीश बाबू से प्रार्थना करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, भैया इन बिहारियों के माइंड का रिसर्च कराइए। इतने ज्ञानी, इतने विद्वान जो दूसरे को सही रास्ते पे चल के भटकाते हैं, इन ज्ञानियों के खोपड़ी का रिसर्च तो कराइए कि आखिर बिहार की इतनी दुर्दशा आखिर क्यों हुई कि चौकी पर बरसों बरसों सो रहा है बेचारा, लैट्रिन रूम में पेपर बिछा के एग्जाम देने जा रहा है सटालियो चाचा, फिर भी इनका ये हालत क्यों है? क्या ये इंसान नहीं है? इनके अंदर कुछ वो चीज नहीं है? इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या वही है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल हुआ है उसके पीछे कारण क्या है? या तो उसके अंदर अंदर झांकने की शक्ति रही है, दूर तक देखने की क्षमता रही है, दूर दृष्टि वाला, और आप कहते हो लेबर, मेहनत, आप कहते हो ना मेहनत से सब हो सकता है, क्यों भाई? सहमत हो? सहमत हो? एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है और एक बिजनेसमैन भी मेहनत करता है। रिक्शा वाला मेहनत करके दिन भर में उतना ही कमा पाता है, मेहनत उसने भी किया, मेहनत उसने भी किया, मेहनत की क्वालिटी पर भी विचार करना पड़ेगा। मेहनत जो आप करते हो उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी है कि नहीं? जो मैं कहता हूं कि आपकी पढ़ाई की क्वालिटी, मेहनत की गुणवत्ता अगर नहीं है तो आपका मेहनत उतना ही देगा जितना कि दिन भर एक रिक्शा चलाने वाला प्राप्त करता है। और एक वही मेहनत कोई बड़े कंपनी में बैठा हुआ, कोई बड़े कंपनी का सीईओ भी करता है, वो करोड़ों रुपया कमा लेता है मेहनत से, और एक वही मेहनत करने वाला, तो मेहनत की क्वालिटी ये स्टूडेंट के लिए बड़े आवश्यक हैं, जो विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये मेहनत की क्वालिटी कैसे डेवलप हो, इसके लिए क्या मेथड है, क्या उपाय है, कोई बताता है क्या आपको इन चीजों पर? लोग तो आपको एक ही चीज बताते हैं कि आप कैसे मेरे यहां आओ, एडमिशन लो, माल डाउन करो, ढुको या नहीं ढुको, फिर नेक्स्ट बैच तैयार है भैया। लेकिन जो समझदार लोग हैं, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, ये जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, काली हुलूक बुलूक झोला किताब पन्ना फॉर्म्स नहीं चलेगा। और ये आपके अंदर गहराई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेप्थनेस। जिस युवा के अंदर, आज युवा के अंदर गहराई नहीं है, उसको खड़ा होने नहीं आ रहा, चलने नहीं आ रहा। अगर मैं कहूं 10 डेग चल के दिखा, अरे भकुआ थोड़ा चले लना बहू, खड़ा होकर देखा बहू। अगर कभी हमसे मिलने जुलने आता है, या कभी निशांत रंजन जी लोग तो टीचर हैं और लोग भी हैं, कैसे आएगा मेरे, हम देखते हैं प्रैक्टिकल। मेरे ऑफिस में कभी लड़का मिलने, भैया क्या चीज थे, रेलवे के भैया, ठीक सीधा सीधा ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? किसी कर्मचारी किसी भी जगह पर आप जाएंगे और आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेगा ये आदमी उथला है, इसकी गुणवत्ता नहीं है, इसके पास क्वालिटी नहीं है। और आज के जमाने में क्वालिटी का डिमांड है, क्वालिटी। आप कपड़ा भी खरीदने जाते हो, जूता खरीदने जाते हो, ब्रांडेड खरीदते हो, नहीं साहब ब्रांड, फलाना ब्रांड, फलाने ब्रांड का जींस, फलाने ब्रांड का कपड़ा। ये बात, आपको भी ब्रांड बनना होगा, आपको अपने जीवन का ब्रांड बनना होगा, और ये असंभव नहीं है। मेहनत थोड़ा सा प्रयास कर दोगे तो आप बन जाओगे, यही अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म का मतलब न जाने लोगों ने क्या क्या लगा दिया, मंदिर जाना,
भगवान को क्या दिखाना, धुआं दिखाना। मोटा मोटा बिहार में तो सब चलता है, बिहार में भगवान इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। यहां देखिए गरीबी है, दरिद्री है, सब चीज है प्रचुर मात्रा में। मैं आपको बताता हूं, गांव में जाइए, आप लोग तो गांव से भी जुड़े होंगे, मोटे तौर पर जाते ही किसी चाय के दुकान पर सुबह में बैठ जाइए, गांव के चाय के दुकान पर, पेपर आता है गांव में भी, कहानी सुनिए, आपको लगेगा इस ब्रेन का अगर सही में यूज खेती में होता, किसी छोटे छोटे कुटीर उद्योग में ये अपना ब्रेन लगाता तो इस गांव का क्या हो जाता। लेकिन वहां बैठा है, जान ली रे मुखियाबा का बेटा भाग ले रही, आओ करो लेके भाग ले रही, जान ली रे मुखिया जी रहे ने, ए बुढ़ बाप बैताल बिहार, चाय पी रहा है, पन्नो पलट रहा है पेपर, देखी रे नीतीश की कल करी, नीतीश रे लल्लू रे लल्लुआ बहरे, आ तोहर हो जाए तो बल्लू। ये मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं है, गांव में जाइएगा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इतना माइंड है, पूछिए मत। लेकिन उस माइंड का कोई यूज, वहां वायरस को ले जाना पड़ेगा। ये मैं कहता हूं, ये गुणवत्ता डेवलप करना चाहिए हमारे छात्रों के जीवन में, क्वालिटी, डेप्थनेस, गहराई। जो क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है, रणनीति बनाता है जीतने के लिए, बनाता है या नहीं बनाता, खेल जीतने के लिए रणनीति बनती कि नहीं बनती, कौन बॉलर पहले बॉलिंग करेगा, कौन बैट्समैन पहले करेगा, किस तरह का बॉल फेंकना है, ये रणनीति। और कई बार क्या होता है, रणनीति बन के जब पिच पर खेलने के लिए जाता है तो उस कंडीशन के अनुसार हो सकता है कि अगर कंडीशन जो रणनीति बना के हम खेल के लिए उतरे थे, अगर कैप्टन डेप्थ वाला है तो क्या करता है, रणनीति चेंज भी कर देता है। करता है या नहीं करता, नहीं हमरा तो यह कहले हलो ऐसा ही चलेला। आपकी हालत वही है, आपकी हालत वही है, आपकी आपका दुर्दशा कोई नहीं सुधार सकता। भगवान घूमते रहिए कोचिंग कोचिंग, ये अध्यात्म है, इसको सीखना है, यहां आने का उद्देश्य यही है। कितना अपना खा के आपको सिखाएं है, ठीक करता है संदीप महेश्वरी, 5 लाख रुपया लेता है, ठीक करता है, उई मार दिया था, फिर रूम में जाके उई वे बोले उई जो ससुर तो ठीक हो लो, तो ये दुर्दशा तो आपके भाग्य में ही लिखा है, क्या कीजिएगा। जबकि हम कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, समझो। अरे कितना गोईठा छाप, कितना घी डाले गोईठा में, सुनते हैं जितना डालो सब सोख लेता है। ये ज्ञान, ये समझिए, मोटिवेशन की बात आप करते हो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं लिया है कि आपको मोटिवेट, आपको स्वयं अपने आप को क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा 24 आवर्स। नहीं मनीष जी मोटिवेट कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता। मनीष जी या निशांत जी या कोई जी, फलाने जी या आप, सिर्फ नक्शा बना के लोगों को रास्ता बता सकते हो, चलना तो किसको पड़ेगा। आप जब स्वयं को मोटिवेट करने की कला सीख लीजिएगा तो दुनिया में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन स्वयं को मोटिवेट करने के लिए आपके पास भी हथियार चाहिए, उन्नाय हो, अभी तो आप सीधे बीच में डूबना चाह रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं आप दीपो अपना दीपक, स्वयं बनो। आप स्वयं अपना कैसे, जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अच्छे विचारों के संपर्क में आओगे, अच्छे विचारों को पढ़ोगे, YouTube पर अच्छे चीजों को सुनोगे, तो क्या होगा, आप स्वयं को क्या करने लगोगे, मोटिवेट करने लगोगे, ऑटो सजेशन। जब व्यक्ति स्वयं को मोटिवेट करने लगेगा और स्वयं अपने अंदर से मोटिवेट होने लगेगा तो दुनिया का बादशाह होगा, उसको किसी का कोई असर नहीं, क्योंकि स्वयं को मोटिवेट करना उसने सीख लिया है। इसी कला को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन है, समस्या है, और जब तक जीवन है तब तक है, कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब तक मैदान में है
तब तक हमेशा कंसस रहता है, बैट्समैन हो या बॉलर हो या फील्डर हो, रहता है या नहीं रहता, या विकेट कीपर हो, ना अब कोई बात नहीं, गेल लो आप, ऐसा होता है क्या आपके तरह? ना अब नौकरी चाकरी हो गए, अब कोई नहीं, अब तो ब्याह होते बच्चा होते, अब जाए बाबू, यहां यही होता है। समझो भाई, अध्यात्म को समझो, ध्यान को समझो, गायत्री मंत्र को समझो। आपने न जाने मंत्र को क्या, आपने हमने मंत्र को क्या समझ लिया? मंत्र मतलब भगवान को फंसाना। ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्व, आपने यही समझ लिया, यही आपकी गलती हो गई। था क्या, समझ लिया क्या? तो भारत की जो दुर्दशा है देख लो भाई, भयंकर दुर्दशा है इस राष्ट्र का। मोदी 2000 मोदी, 3000-4000 राहुल गांधी पैदा ले लेगा तैयो इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। रोड बना देने से क्या हो जाएगा, रोड पर चलेगा के हम ही तो ना का चाचा लहरिया सुधार दीजिए। यही अध्यात्म है। और ये आएगा कैसे, स्वयं को मोटिवेट करना पड़ेगा, ऑटो सजेशन। स्वाध्याय यही काम करता है, अच्छी पुस्तक क्या करता है, यही काम करता है। और इसके बिना छात्र जीवन, ये स्टूडेंट लाइफ जिसको मैं 25 वर्ष से देख रहा हूं लगातार, मैं तो जैसे बड़का बड़का डॉक्टर सब होता है जो पेट का चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है, गए एक दिन में 100-200 ऑपरेशन कर देता है। असाधारण नयकन डॉक्टर को अगर दिया जाए तब तो जैसे हम तो लयकन के थोबरा देखे थोबरा का मिलमिलाहट देखे पकड़ लिए का कौन कौन बीमारी पकड़ ले। ये भी देखते हैं कि कहां कहां जाके रूम में गड़बड़ा सकता है, हमको अब टाइम नहीं लगता, इसलिए पूछे क्यों, देखते देखते अभ्यस्त हो गए हैं आप लोगों को। 25 साल से आपका थोबरा देख रहे हैं, हेयर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जींस देख रहे हैं, देखते देखते अब हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम तो देखेंगे चलने के चाल से पकड़ लेंगे कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा, ये लफुआ द ग्रेट बनेगा, आज गायत्री परिवार से जुड़ा है कल गायत्री परिवार से भी हट जाएगा, ये टिकाऊ माल नहीं है। और भगवान को चाहिए कौन माल, टिकाऊ माल। अब मार्केट में जाओ और कहे कहे कि 2 दिन में जूता टूट जाए तो लेबो, दुए दिन जूता, भगवान के यहां आए हैं भगवान भी सूंघता है, ये टिकाऊ माल नहीं है, ये जाएगा 3 दिन में गड़बड़ा जाएगा, दोस्त फिर टोटी खोलवा देगा, एक माफ करना भाई, नहीं चलेगा ये दिल्ली में वार गांजा पी के सुतल है सब, मुखर्जी नगर में हाफ पेंट पहनने पहले सब का है, आईएस तू आईएस, तोरे जैसा आईएस तो ट्रैक पर सुता है, तोहर जैसा आईएस था ना वो बहुरा बहुरा जाता है पढ़ते पढ़ते, मेंटल डिसऑर्डर 32-33 तो ऐसा ही हो जाता है। उसके बाद घर वाला कहे वैसे चल अब ब्याह कर ले, हटो नहीं बोलो नहीं, अपसेट है वो। अरे साहब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वही चीज नहीं है भौतिक आनंद ही, भौतिकता से ही अगर सब सुख मिलता जीवन में व्यक्ति को तो सारे व्यक्ति सुखी होते, संसार में सब लोग सुखी होते। इसलिए आपका देश कहता है, भारत कहता है, भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। और जब आत्मिक उन्नति होगा, इसलिए कहा जाता है अपने यहां संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। युवा द पावर, ये शक्ति है, ये ताकत है, एनर्जी है, जगाओ यार, ठंडा मार दिया, मारिए दे तो अभी कम मार लो, 4 दिन से नहीं नहाए हैं, जा रे बकलोलदास जा, ये माल के खरीदेगा, जे खरीदेगा वो पछताप करेगा कि कहां से बल गोबिना के खरीद के ले आए ले। गायो गोरु खरीदे है तो आदमी ऊपर नीचे पूछी उठाब है, दतवा गिन है, नीचे देखा है, पुट्ठी टेर है, एक दूधा कमे देते पुट्ठी सबके टेर हो, ये सब टेढ़वा सब चल जाते रेलवे में तो ऐसे ही लेट चल रहा है रेल है, और रेल टेढ़ हो जाए, अरे टेढ़ है रे, टिटिया नहीं कहा लोग रीढ़ा टेढ़ है रे, पढ़े पढ़े टेढ़ हो गए, अरे करम जा रे मर्दे, सब ब्रेन लेके यहीं सर बहो,
आचारों लायक रहिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो विद्वान लोग हो, मैं विद्वानों का हमेशा कद्र करता हूं, चूंकि बिहारी विद्वान का खदान है, लेकिन मुझे अफसोस भी होता है कि ऐसा विद्वान लेके बिहार क्या करेगा, है जिंदाबाद जिंदाबाद, एगो कुर्ता पैजामा पहन लिया वो नेता सब दे तो खरीदियो दे है सब, अब बंदी पहन लिया हमरे रंग के, जिंदाबाद जिंदाबाद मामू छाप जिंदाबाद, कुछ नहीं सब जगह हवा हवाई है, सब ठग सब बैठा हुआ है, सब लूट लेगा, बुड़बक बना देगा, जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, सब ठग है ठग। अभी वो सिनेमा बनाया है ना, क्या नाम है इसका, है हिंदुस्तान, कौन हिंदुस्तान ठग, क्या ठग से हिंदुस्तान, अब वो चाइना में ले जाकर दिखा रहा है, बताइए तो क्या सोचेगा चाइना वाला सा, है नाम रख ले ससुर ऐसा और ले गए चाइना में प्रचार कर रहा है आमिर खान, है ठग से हिंदुस्तान, वो सोचेगा सब हिंदुस्तान में ठगे रहता है चाइना ठग, ओकर माल टिकता नहीं है, हमारा यहाँ से सिनेमा हुआ हीरो वहां दिखा रहा है ठग्स हिंदुस्तान, उसके माइंड में कितना खुश होगा वो भीतरे भीतरे, कौन सिनेमा आया है ठग्स हिंदुस्तान, माने हिंदुस्तान सब ठग होता है। आप लोग सुधरिए, बहुत उम्मीद है आपसे, क्योंकि अभी जवानी बचा हुआ है, अभी पका नहीं है जवानी, अभी कच्चा पक्का मामला है, लेकिन भाई उम्मीद हम करते हैं, अगर ये जवानी कहीं सर गया और इस जवानी में कहीं कीड़ा लग गया तो चौकी में भी कीड़ा लग जाएगा, भीतरे भीतरे